Let's begin now. Question number 75. A circuit has a section ABC. So this is the question here. Three resistors are given. Potential at A is V1, potential at B is V2, potential at C is V3. We have to find out what is the potential at both. Now I'll have to assume here something. I'll assume that the current going in this direction is I1. The current यहाँ से जा रहा है वो है I2. The current going यहाँ से जा रहा है वो है I3. Let these are the three currents. So if I say यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, वैसे हमने अज्यूम किया है. सो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट ओ, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ आउटगोइंग करंट इज कनेक्ट इज टेकन एज माइनस. सो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो. दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम ऑल. इन अदर वर्ड्स आई कैन से मल्टीप्लाई ब्रॉट बाय माइनस 1. This is I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. This is what I get there. Any doubts about that? Any doubts about that? Okay? Now, let us say यहाँ का potential is V0. यहाँ का potential है V0. जो हमने already वही मुझे find out करना है. Okay? So यहाँ से उधर current जा रहा है. So this potential is more as compared to this potential. So what is the potential drop here? V0 minus V1 is equal to I1 R1. This is what I see. And same thing I will write for the other two also. V0 minus V2 V0 minus V2 is equal to I2 R2 and V0 minus V3 is equal to I3 R3. इसमें किसी को कुछ doubts है? इसमें किसी को? Therefore, what is I1 is equal to? Therefore, I1 is equal to V0 minus V1 upon R1. I2 is equal to V0 minus V2 upon R2. And I3 is equal to V0 minus V3 upon R3. But as we know that summation of all the currents is equal to 0, isn't it? अपने को पता है कि substituting I1 plus I2 plus I3, तीनों is equal to 0, so add them all. तो यहाँ पर मुझे मिलेगा I1 plus I2 plus I3 is equal to, यहाँ से अगर मैं इनको सबको add करूँगा तो यहाँ पर आएगा 0 upon R1 minus V1 upon R1 plus V0 upon R2 minus V2 upon R2 and this is V0 upon R3 minus V3 upon R3. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है V0 equal to 0 is equal to, यहाँ से मैं V1 common ले लूँगा, V0 common ले लूँगा. So this is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and यहाँ से minus common ले लीजिएगा. So V1 upon R1 plus V2 upon R1 R2 plus V3 अपॉन R3. अब यहाँ से मुझे V0 फाइंड आउट करना है. सो कैन आई फाइंड आउट V0 का वैल्यू? देखो V0 इज इक्वल टू, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, थोड़ी देर में दिस विल बिकम V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इज इक्वल टू V0 इंटू दिस 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अब ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा और उसको रेस्ट टू माइनस 1 लिख सकते हैं. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? द फाइनल आंसर आई कैन राइट इट एज V0 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, V0 इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, दैट इज V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3. और ये ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले लेंगे. सो दिस ब्रैकेट रेज टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये रहा फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन डी.
No doubt this is a smart problem. Is this clear to you all? Hello. So question number 76. 2 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 2 ohm. The potential difference between A and B as shown in figure is. What is the potential difference between A and B? Potential difference between A and B. We put that. Yes, we have a कैसे करेंगे यस बोलिए चलिए ये दोनों सीरीज में है ना व्हेन आई रिड्यूस दिस सर्किट ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा यार दिस इज सी एंड डी तो ये 3+2 5 ओम हो जाएगा और ये 3+2 5 ओम हो जाएगा सही बराबर है क्या हेलो 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 इसका मतलब है दोनों का रेजिस्टेंस सेम है दोनों का दोनों तरफ से जाएगा तो रेजिस्टेंस सेम है आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर इजंट इट दोनों आर्म्स का अपर आर्म एंड लोअर आर्म हैज गॉट सेम रेजिस्टेंस सो द करंट विल गेट डिवाइडेड इक्वली सो ऊपर जाने वाला करंट है 1 एम्पियर और इधर से जाने वाला करंट भी 1 एम्पियर है डिड यू अंडरस्टैंड द करंट गोइंग इन दिस बिकॉज़ 2 एम्पियर इज द करंट इन सो द रेजिस्टेंसेस आर सेम सो द करंट विल गेट डिवाइडेड इक्वली करंट विल गेट डिवाइडेड इक्वली सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी आई कॉल दिस एज यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा है यहां का कम है So VC minus VA is equal to I, that is 1 ampere, into 2 ohm. 1 ampere and 2 ohm. So what is the potential difference? 2 volt. This is the potential difference between C and A. Are you understanding that? Similarly, VC minus VB, the potential difference between C and B, is equal to current, that is 1 ampere, and the resistance 3 ohm. So that is equal to 3 volt. So this is the thing. Now I'll subtract these two. In dono ko hum subtract karenge. Agar subtract karenge to kya milega? This equation minus this equation. Minus karne se ye minus, ye plus hoga. Ye minus hoga. So VC and VC gets cancelled. So this will become VB minus VA is equal to minus 1 volt. Or VA minus VB is equal to 1 volt. So the potential difference between A and B is 1 volt. So the answer here is A. And this is a star problem. I hope this is clear to you. The method is very, very unconventional. It's not like the usual methods. I hope this is clear. Question number 77. The circuit diagram is shown. 2 ampere current coming in. It is given that potential at B is 0. We have to find out what is potential at A and potential at B. Is the question clear to you? Hello. Let's see now. Now I will consider here two points, A and B. So current is going from higher potential to lower potential. So potential at A, VA, minus potential at B. The potential difference is equal to IR. I is the current flowing, that is 2 ampere, and resistance is 2 ohm. So what is this? Now therefore, potential at A. Minus potential at B is already given to be 0 is equal to 4 volt and therefore potential at A is equal to 4 volt. So, एक आंसर अपने को मिल गया. Potential at A is equal to 4 volt. दूसरा आंसर मुझे find out करना पड़ेगा. Now, is this clear to you all? Is this okay? Alright? Now, similarly, this point D It's connected to positive terminal of the battery and therefore potential at D is equal to straight away 3 volts. Potential at D is equal to straight away 3 volts. Is this clear? Is this okay? And therefore D is the option. D is the option. That's it. Is this okay? Is that clear? Well, let me read the question here. Question number 70 here. It says, a current of 6 ampere enters one corner P of an equilateral triangle, PQR, having three wires of the resistances 2 ohm each, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm each.
and leaves by the corner R. यहाँ से जा रहा है. Okay. Then the currents I1 and I2 are. What is this current and this current? ये अपने को पूछा गया. The currents I1 and I2. Is this okay? Now I will go for the Kirchhoff's voltage law. और ये वाला हम ऐसा लूप ले लेंगे. I'll go for the Kirchhoff's voltage law. Okay. पहले तो मैं Kirchhoff's current law at P. मतलब I1 plus I2 is equal to 6 ampere. I1 plus I2 is equal to 6 ampere. This is equation 1. पहले equation जो मिला. Now by Kirchhoff's voltage law, the loop is PQRP. The loop is PQRP. This is the loop is PQRP. And well, let's apply this one. हम और करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दिस इज माइनस आई वन इंटू टू. हम और करंट एक ही साथ जा रहे हैं. माइनस आई वन इंटू टू. हम करंट से अपोजिट जा रहे हैं. प्लस आई टू इंटू टू इज इक्वल टू जीरो. सो टू गेट्स कैंसिल थ्रो. एनी डाउट्स अबाउट दिस? एनी डाउट्स अबाउट दिस? सो दिस विल बिकम आई टू is equal to 2i1. I2 is equal to 2i1. अब ये इधर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे? I1 as this. I2 is equal to 2i1 is equal to 6. So 3i1 is equal to 6. And therefore I1 is equal to 2 ampere. And I2 is equal to 2 is a 4 ampere. That is the answer. So I1 and I2, 2 ampere and 4 ampere. So A is the option. Is this okay? Is this clear? Okay. Let's start now. Question number 79. क्या दिया यहाँ पे? A 7 volt battery with internal resistance 2 ohm and a 3 volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in the figure. The current in 10 ohm resistance is. इसमें से पास होने वाला करंट. Okay. Now here, I have analyzing points A, B, C, D. And let us say that this battery gives the current of I. Okay. And उसमें से करंट I1 यहाँ से जाएगा. तो I में से I1 यहाँ जाएगा तो इधर कितना बचेगा? I में से I1 इधर गया. So this is I minus I1. As simple as that. और वही करंट यहां से भी आएगा I minus I1 and this I1. तो यहां पर जाने वाला करंट है अगेन I. I hope this is clear to you. We have applied here the Kirchhoff's current law. I hope this is clear. Hello, hello, hello. Can you please tell me? Hello, hello, hello. All right. Now let me assume here two loops for the Kirchhoff's voltage law. पहला लूप जो मैं assume करूँगा वो इस प्रकार होगा, ये वाला. और दूसरा लूप ये वाला. So I'll be assuming these two loops here. ठीक है? Now let us write down the equation for these Kirchhoff's loops, Kirchhoff's voltage law. इक्वेशन लिखेंगे लूप Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. तो लूप इज ए पी टू पी वन डी ए पी वन डी ए. यहाँ पर मैं Kirchhoff's वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा. राइट डाउन ए टू पी टू कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहा है डूइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट इज माइनस आई वन इंटू टेन. यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से हम उस तरफ जा रहे हैं. We are going in the direction of current, so it is minus I into 2, and we are going in the direction of current through by the battery, so the battery will be plus 7 volt is equal to 0. Please check whether this is clear to you. Plus 7 volt is equal to 0. Is this okay? Please check. Hello, hello, hello. So I can transfer this on the other side. So this will become, yeah, so this will be 10 I1 plus 2 I is equal to 7. This is equation number 1.
then I'll go for the second root, that is root P2 B C P1 P2 P2 B C P1 P2 ये दूसरा लूप इस इक्वेशन लेट अस राइट ऑन द इक्वेशन दिस विल कम हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं यहाँ से इधर जा रहे हैं नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल तो थ्री वोल्ट का बैटरी है तो वो प्लस थ्री आएगा ओके वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो सो आई आर वी बी नेगेटिव करंट इज आई माइनस आई वन आई माइनस आई वन इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इज वन ओम वंस अगेन लाइक दिस सी टू पी वन कुछ नहीं यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं लूप ट्रेसिंग के लिए लेकिन करंट एक्चुअली नीचे आ रहा है सो करंट नीचे और टू ट्रेसिंग ऊपर अपोजिट है तो आई आर विल बी प्लस सो दिस इज द प्लस द करंट इज आई वन हियर एंड द रेजिस्टेंस इज 10 इज इक्वल टू जीरो दिस इज व्हाट वी गेट देयर वेल वेल लेट अस राइट डाउन दिस विल बी क्या बनेगा ये ओपन द ब्रैकेट्स फुल्ली फुल्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस आई प्लस आई वन प्लस 10 आई वन is equal to 0. Well, in other words, I will get this as current score of the leg line. So 3 is equal to I minus 11 I1. That is equal to 3. This is equation number 2. अब दो equations हैं और दो unknowns हैं. हमको दोनों solve करने हैं. As simple as that. So let us solve this now. ये equation को हम क्या करेंगे? This equation is written as this. पहले इसको मैं 2 से multiply करूँ. माइनस 11 आई वन सॉरी माइनस 22 आई वन प्लस 2 आई इज इक्वल टू 6 ये इक्वेशन और फिर ये वाला इक्वेशन एज इट इज इक्वल सो दिस इज 10 आई वन प्लस 2 आई इज इक्वल टू 7 और इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 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 दिस इज कॉम सो दिस इज माइनस 32 आई वन इज इक्वल टू माइनस 1 सो I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 एम्पियर अब मैं I फाइंड आउट कर सकता हूँ I इज इक्वल टू 3 प्लस 30 11 टाइम्स 3 प्लस 11 टाइम्स I1 1 अपॉन 32 सो 32 3 इज अप 32 3 इज अप मुझे I1 चाहिए ना आई थिंक दे हैव दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट करंट पासिंग थ्रू 10 ओम तो मेरे ख्याल से मेरा प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाता है 1 अपॉन 32 1 upon 32 के कैलकुलेटर से चेक कर लो कितना आता है लुक एट ऑल ऑप्शंस हियर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस इफ आई सी हियर तो दिस विल बी लाइक 0.031 एम्पियर क्या सी से आप चेक कर लो एंड सी इज द ऑप्शन देयर इज दिस प्लीज चेक दैट करो